नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं बाईपास, रीवा बाईपास में। किसान जिस तरीके से सड़कों में है, लगातार 72 दिन से ज़्यादा हो गया दिल्ली के आसपास किसान सड़कों में है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो आज धरने प्रदर्शन में हाजिर हैं। माना जा सकता है जिस तरीके से 26 तारीख के बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। यहाँ तमाम लोग हैं, मैं तमाम लोगों से बातचीत करूँगा और जानने समझने की कोशिश करूँगा आखिर विरोध क्यों। लगातार अभी कल ही कृषि मंत्री ने कहा है कि ऐसा कानून में क्या है जिसका विरोध किया जा रहा है। बताइए, ऐसा क्या है कि क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा बनाए गए कृषि काले कानून का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका संयुक्त मोर्चा पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। और ये विरोध तो आप लोग कर ही रहे हैं लगातार, यहाँ पर वो दिख ही रहा कई दिनों से सड़कों में। बताइए, जो कृषि मंत्री जी ने कहा कि कानून में ऐसा काला क्या है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस किसान के लिए आप ये कानून लेके आए हो, वो कह रहा है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए। तो कृषि मंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले लेती? हमें जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप क्यों दे रहे हैं? बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये तीन काले कानून लाए गए, इससे देश का किसान नहीं रह जाएगा, उसकी पूरी की पूरी ज़मीन चली जाएगी। और ज़मीन कहाँ जाएगी? अडानी और अंबानी के पास। वास्तव में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री हैं, पर कृषि मंत्री हो करके वो नरेंद्र मोदी के हाथों से रिमोट से चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें काला क्या है, किसके लिए? तो ये जो कानून बना है, ये किसानों के लिए बना है कि अडानी और अंबानी के लिए बना है कि नरेंद्र मोदी के लिए बना है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहला ऐसा कृषि मंत्री होगा जिसके वक्तव्य को सदन से विलोपित किया गया है। इससे सेम फुल शर्मनाक घटना इस सदन में, इस देश में नहीं हो सकती। ये वाकई बड़ी बात पूर्व पार्षद विनोद जी ने कही। अब मैं तो इस पे कुछ बोल नहीं सकता, जो आपने बोला वो क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, वो तो पूरा देश ने देखा और जाना और समझा ही होगा। ये जो कानून बना है वो देश की जनता और किसानों को लेकर नहीं बना है, ना किसी राजनीतिक पार्टी की सहमत से बना है। ये मोदी ने मनमानी थोप दिया है देश के किसानों पर। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित के लिए लड़ी है, आज भी मैदान में लड़ रही है उनके लिए। कांग्रेस पार्टी मैदानों में आम आदमी के लिए लड़ रही है। मेरा एक आपसे सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि लगातार सरकार ये कह रही है कि हम कांग्रेसी भड़का रहे हैं किसानों को, तो क्या ऐसा आपको लगता है कांग्रेसी आप लोग भड़का रहे हो किसानों को? अगर कांग्रेसी भड़का रहे होते तो आज आरएसएस के ऊपर राजद्रोह लग चुका होता। अगर कांग्रेसी भड़का रहे होते तो देश आज़ाद नहीं होता। अगर कांग्रेसी भड़का रहे होते तो आपातकाल के समय इंदिरा जी ने किसानों से आग्रह किया था कि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करो। तो कांग्रेस सांप्रदायिकता की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सब धर्म का सम्मान करने की पार्टी है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और देश के अंदर प्रधानमंत्री सबके हैं, सब दल के हैं, सब व्यक्ति के हैं, सब महिलाओं के हैं, सबके एक समान पद पे वो बैठे हुए हैं। इसी तरह जिले के अंदर महापौर होता है, ये प्रथम नागरिक का दर्जा जिले के अंदर महापौर को मिलता है, और देश के पहले व्यक्ति का दर्जा प्रधानमंत्री जी को लिखता है। तो प्रधानमंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि जिस देश के अंदर 5 लाख से ज़्यादा किसान सड़कों पर बैठे हों, जिस देश के अंदर प्रदेश के अंदर पूरे देश और वर्ल्ड की दुनिया आके आपसे आग्रह करे कि कृषि कानून वापस ले लीजिए, तो विनम्रता पूर्वक कृषि कानून वापस होना चाहिए। मन की बात, दिल की बात, ये सब बातें अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन यह स्मृति ईरानी को अच्छी लगेगी कि मोदी जी बोले मन की बात, उनके परिवार के लोगों को अच्छी लगेगी। मैं रोकूंगा, एक और भी ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी सवाल वो ये है कि जिस तरीके से मोदी जी जब अमेरिका गए थे, उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, उसी तरीके से एक कुछ बाहर के लोगों ने ट्वीट किया है, इन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से जोड़ के देखते हैं? देखिए, सच ये है कि अगर गोदी मीडिया दिखाने लगे तो देश का लोकतंत्र स्वच्छ और सुंदर और दिखने लगेगा। ट्रंप की आपने बात कही,
ट्रंप के 1 लाख कितने झूठों को वहाँ के मीडिया ने बताया है। प्रधानमंत्री होते हुए भी जब ट्रंप झूठ बोलते थे तो वहाँ का मीडिया कहता था कि ट्रंप जी आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन दुख इस बात का है कि ये गोदी मीडिया ये नहीं बोलता कि मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो। लाल किले से भी झूठ बोलते हो और आप मंगू भैया जिंदाबाद देश की जनता से किसानों के बीच जाते हो, झूठ बोलते हो। मोदी जी जियो आया, कितने रुपए? 51 रुपए, 100 रुपए मिले। आज जियो क्या रुपए रेट हो गया? तो इसी तरह किसानों का हाल होगा। आप जो मोदी जियो अडानी और अम्बानी को देश देना चाहते हो, हम उसके खिलाफ़ हैं। यह देश किसान का है, यह देश युवा है का है, यह देश हमारा है, आपके पिताजी का नहीं है, यह देश सबका, यह देश सबका है। एक जो बड़ा सवाल यहाँ पर लोगों ने उठाया, साफ तौर से कहना था BSNL और जियो की तुलना करिए, ठीक वही स्थिति किसानों की इस देश में होने वाली है। यहाँ पर जिस तरीके का नज़ारा है, इस तरीके का नज़ारा काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर देखा गया। वजह सीधी और सादी है, किसान बिल को लेकर पूरा देश आज 3 घंटे के लिए सड़कों पर है। यहाँ पर चके जाम की स्थिति है। मैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पर वो विजुअल भी दिखाऊंगा जिस तरीके से ट्रकों की यहाँ पर लाइन लगी। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा सबसे बात करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों से है, आप लोग यहाँ आज सड़कों पर बैठे, इसके पहले तो आप लोग इस तरीके से कभी बैठे नजर नहीं आए। इसके पहले ऐसा कानून था ही नहीं तो क्यों बैठे नजर आते? बहुत साफ है, जिस तरीके का कानून बना है और जिस तरीके से सारा देश इस समय आंदोलित है, उसके साथ में जुड़ करके किसान इस काम को कर रहा है। तो पहले क्यों नहीं कर रहा था, आज क्यों कर रहा है, वो तो बहुत साफ है। प्रश्न इस बात का है कि हम सब लोग मिल करके अब इस पूरे आंदोलन को ग्रामीण अंचल पर ले जाना चाहते हैं, और जब ये ग्रामीण अंचल पर जाएगा तो भारत की तस्वीर वास्तव में 75% ग्रामीण अंचल पर बस रही है और किसान ग्रामीण अंचल पर बस रहा है। तो अब ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो किसानों को पूरे तरीके से दबाना चाहती है, अब ये समय आ गया है कि हम सब लोग मिल करके और सबसे पहले किसान बन करके और इसके इस ताकत को यहाँ पर दबाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जीते जी जब तक जीवन रहेगा तब तक इस संघर्ष को हम लोग चलाएंगे। जब तक जीवन रहेगा हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। अब दिल्ली से होता हुआ रीवा तक पहुंचा, रीवा के बाद अब ये छोटे छोटे गांवों तक पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके की बातचीत निकल के आ रही है। बताइए ये क्या क्या चाह रहे हैं आप, जबकि कृषि मंत्री साफ तौर से कह रहे हैं कि इसमें काला कुछ है ही नहीं। कृषि मंत्री तो सरासर झूठ बोल रहे हैं और भाजपा के लोग प्रधानमंत्री से ले के और इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ शर्मा जाती। आज इस देश की किसान इस देश की आत्मा है और आत्मा के साथ ही खिलवाड़ हो रहा, पूरे खतरे में है, पूरा देश खतरे में है, किसान खतरे में है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है हम उसका भविष्य खतरे में है। तो हम सब लोग आज किसानों के साथ, हम सब लोग भी किसान हैं, हम लोग भी उसी में प्रभावित हैं, सब लोग बैठ के इस धरने में बैठे हैं, यहाँ चक्का जाम किए हुए हैं। जैसे अभी मिश्रा जी ने कहा कि ग्रामीण अंचल तक ले जाएंगे और हर घर से, अब तो हम लोग भी आह्वान ये हो रहा है कि हर घर से एक आदमी इस धरना प्रदर्शन में निकलेगा और हर घर से जब आदमी सड़क में जाएगा तब ये बिल वापस होगा। बिल की इनकी बड़ी तैयारी है, ये 5-6 साल से लोग भले कहें कि ये बिल आ जाएगा कुछ, इनकी तैयारी जब से प्रधानमंत्री बने तब से तैयारी है इस बिल लाने की। काफ़ी अरसे से केंद्र की सरकार तैयारी कर रही थी, अब हर घर से एक आदमी निकलेगा तभी इस बिल को रोका जाएगा। बताइए गिरीश जी, क्या क्या आपको लगता है कि आप लोग को सड़कों में कब तक बैठना पड़ेगा? देखिए, ये तानाशाह हुकूमत जब तक इस बिल को वापस नहीं लेती है तब तक इस देश का किसान मजदूर इस बिल के खिलाफ सड़कों पे लड़ाई लड़ेगा, और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी, उसके लिए वक्त चाहे जो लगे। कृषि बिल को लेकर कृषि मंत्री साफ तौर से कहते हैं इसमें काला कुछ है ही नहीं। कृषि मंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं, किसानों को बरगलाना चाहते हैं, देश की जनता को बरगला रहे हैं। बताइए आपको क्या लग रहा है कि कब तक आप लोग बैठना पड़ेगा? आप काफ़ी अरसे से आप तो बैठे हुए हैं। हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक बिल वापसी नहीं होगी, लेकिन कल जो देश के कृषि मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक राज्य का आंदोलन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग आज रीवा शहर में एक जगह बैठे हैं और रीवा जिले के 11 जगह हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों पर बैठे हैं। तो कहाँ ये सिद्ध होता है कि एक राज्य
कहा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि एक इस कानून में कोई काला नहीं, यदि काला नहीं है तो आप 2 साल तक स्थगित क्यों करना चाहते हो, यदि काला नहीं है तो आप संशोधन क्यों करना चाहते हो, यदि काला नहीं है तो 11 बार आपने क्या भजिया तलने के लिए बात की थी, क्यों आप बात करना चाहते हो, यदि किसान का कानून काला नहीं है तो आपने कितने किसान संगठनों से बात की, आपने कहा 90,000 किसानों से हमने बात की, RTI से पता चला कि एक भी ना तो आप किसान संगठनों से बात किए ना एक भी किसानों से बात की। कृषि मंत्री जी, आपने देश को शर्मसार किया है, आपने राज्यसभा में ऐसा बयान देकर लोकतंत्र में काली खपोती है, आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आपको इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपका प्रधानमंत्री दुनिया के सामने नपुंसक प्रधानमंत्री ने सिद्ध कर दिया है कि मैं जब तक रहूंगा देश को शर्मसार करता रहूंगा। इस लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को शर्म आनी चाहिए और हमारा किसान मोर्चा निंदा प्रस्ताव पारित करता है। हम निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं जिस तरीके से कृषि मंत्री ने अभी पिछले दिनों जो भी बयान दिया था। शिव सिंह जी बताइए, जैसा कि अभी ये बातचीत हो रही है, अब आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो हम लोग बैठे हैं 12 बजे से यहाँ, और मैं तो ये मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी कि ये जो देश का अन्नदाता है किसान, तो वो अन्नदाता भी है, मतदाता भी है, करदाता भी है। तो जिस तरह से आपके कृषि मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक राज्य का आंदोलन है और बिल में कुछ काला नहीं है, तो मेरा आरोप है कि इनका पूरा प्रधानमंत्री सहित जितना मंत्रिमंडल है इनका पूरा दिमाग काला हो चुका है और ये पूरी तरह से अडानी अंबानी के गुलाम हो गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी कि जिस अन्नदाता के खिलाफ आप देश के अंदर किले ठोकवा रहे हैं, बैरिकेड्स लगवा रहे हैं, जाल बिछवा रहे हैं, उसी अन्नदाता के अन्न की रोटी खाने से आपका सीना 56 इंच हुआ है। तो मेरा ये आरोप है कि आप पूरी तरह से ये किसान बिल आप वापस लें। आप यदि किसान बिल को वापस नहीं लिए तो देश का किसान आपकी सत्ता को जमींदोज करने का काम करे। कृषि मंत्री सहित केंद्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ पर बैठे तमाम लोगों का कहना है इस बिल को वापस लीजिए। लड़ाई अब दिल्ली से निकलकर रीवा से होते हुए गांव के हर उस घर तक पहुंच जाएगी, गांव से एक एक घर से एक एक आदमी निकल के सड़कों पर आएगा, तभी शायद मामला कुछ बनेगा। बताइए, पूछिए, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आप लोग लगातार बैठे हुए हैं और आपको कैसा लग रहा है कि कब तक बैठना पड़ेगा और कृषि बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? जब तक बैठना पड़ेगा तब तक हम बैठेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, सरकार वापस नहीं लेती, तब तक हम लोग इस धरने पे बैठेंगे। और रही बात जहाँ कृषि मंत्री जी ने जो कहा है कि इसमें काला क्या है, तो सफ़ेद है तो दिक्कत क्या जा रही भाई, आपको वापस लेने में क्या दिक्कत है? जब सब कुछ सफ़ेद है, काला नहीं है, तो आपको दिक्कत कहाँ जा रही है? जब सब कुछ ठीक है तो आपको वापस ले लेना चाहिए, इसमें दिक्कत किस बात की है? जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो आप हमें देने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? ये यहाँ पर जो लोग भी धरने पर बैठे थे, चक्का जाम कर रखा है, 3 घंटे का सांकेतिक चक्का जाम था, ये कहना था यहाँ पर के लोगों का। इस खबर को लेकर मैं आगे भी आपसे बातचीत करूँगा और आप तक ताज़ा अपडेट पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दी इजाज़त।